नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सांडिल। तो आज हम जन जन की आवाज भारत तक में जानेंगे, क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है और गुरुग्राम के मसले पर क्या सोचती है जनता। आइए जानते हैं जनता की राय। गुड़गांव में जो हुआ आपको हम बताएं, उसमें आपको क्या लगता है, वो सही था या गलत था? आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर चार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, सब मुसलमान भाई भी रहते हैं और ये सबका ही भाई है और सबको मिलजुल के सबको रहना है, भाईचारा बना के रहना, इबादत सब कर रहे हैं, जो जिस मजहब में है उस मजहब में इबादत कर रहे हैं और हमारी ये इबादत है अल्लाह हुक्म को पूरा करना, 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है और उसको जहाँ भी हमें वक्त मिलेगा, जंगल में मिले, मस्जिद में मिले, शहर में मिले, जहाँ भी मिले वहाँ अल्लाह की इबादत करनी है, सच्चे दिल से करनी है, वो वहाँ पर इबादत कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन है, रोड है और बस अड्डे हैं, जहाँ पर जगह नहीं है, गवर्नमेंट को ये सुविधा थोड़ी करके देनी चाहिए कि मुसलमान भाई को भी वक्त यहाँ नमाज का हो सकता है, उन्हें थोड़ी जगह देनी चाहिए, थोड़ी जगह बचा कर रखनी चाहिए। सरकार को जगह देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, ये अधिकार है, सबका अधिकार है, जो भी धर्म। एक मिनट, तो ये बताइए इस्लाम क्या कहता है, अगर दिक्कत होती है किसी को दिक्कत अगर होती है, इस्लाम ये कहता है कि उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुसलमान भाई कभी ये नहीं चाहता किसी को, मेरे भाई को किसी को नुकसान हो, किसी मुसलमान किसी को भी हिंदुस्तान में जो भी है किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चाचा आप बताइए क्या सब मिलजुल कर रहे भाई। हम कहना यही चाहते हैं नमाज के बारे में, नमाज अल्लाह ताला ने हमारा ऊपर, हम लोग के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर फर्ज किया है। नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहता है, और अगर मस्जिद वहाँ नज़दीक नहीं है तो जहाँ रहा वहीं हम लोग को नमाज अदा करना यह फर्ज है हम लोग को। सड़कों पर अगर मान लीजिए सड़कों पर पढ़ा जाता है, बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, तो क्या ऐसे में क्या अगर क्राउड की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है तो इस पर इस्लाम क्या कहता है? तो इस्लाम कहते हैं क्या, इस्लाम मुस्लिम मतलब क्या, शांति। मुस्लिम मतलब क्या, मतलब किसी को दिक्कत देना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग का अगर 15 मिनट का नमाज में, 10 मिनट का नमाज में अगर आदमी को, पब्लिक को दिक्कत होती है तो त्यौहार, दूसरी जात भी त्यौहार मनाते हैं पूरा पूरा दिन। अगर पब्लिक को अगर चीज़ से दिक्कत हो रही है तो उसको कह दें दिक्कत हो रही है, अभी जो ये गुड़गांव में हुआ है ऐसा, तो ये तरीका गलत था। ये सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए, बिल्कुल सरकार को इंतजाम करना चाहिए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार को चुना है जनता ने, तो सरकार सारे समाज के लिए है और हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए, अगर मुसलमान परेशान है तो उसका इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए। इस्लाम तो आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम चल भी रहे हैं तो हमारे लिए हुक्म है कि आप कोने कोने में चलो, हमारे लिए हुक्म है कि कोने कोने में चलो, निगाह झुका के चलो, दीवी रास्ते के अंदर पत्थर पड़ी हुई चीज़ को हटा के चलो। पिछले 4 साल से गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ और जहाँ पे वो दंगा, ये फसाद हुआ है, वहाँ से मेरा ऑफिस मुश्किल से 200 मीटर दूरी पर है। कभी पिछले 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, कभी किस इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इस्लाम कोई भी धर्म हो वो सच्चाई रास्ता बता रहा है, धर्म है जो है अगर उस हिसाब से हम चलेंगे, कोई भी धर्म गलत नहीं कहता है। आप हमें ये बताइए कि अगर कहीं पे अगर नमाज अदा की जा रही है, जैसे कि सड़कों पे या प्लेग्राउंड पे या रेलवे स्टेशन पे, ऐसे पे किसी आम मुसाफिरों को अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे में इस्लाम क्या कहता है? ऐसे में जो है नमाज हमको फर्ज है, वो जहाँ भी मौका मिलता है वो हम सब जगह देख कर के हमको नमाज अपनी अदा करनी है। 5 वक्त की नमाज है, जैसे हम चलते हों रास्ते में हम वहाँ भी इसको पढ़ना है। हाँ, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी, बस यही है कि पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी दुकानदार के सामने भी पढ़ता हूँ तो उसे इजाज़त लेके पढ़ूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी। जुम्मा के नमाज में हम यहाँ पढ़ रहा हूँ, एक सब लगा रहा हूँ, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, जो साइड एरिया है जिससे पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो वहाँ पढ़ सकते हैं, पब्लिक को परेशानी ना हो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप क्या कहेंगे जी? मस्जिद के अलावा कहीं भी हमारे लिए तमाम ज़मीनें पाक हैं, मस्जिद में कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो मस्जिद में जगह नहीं है तो रोड पर भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए सड़कों पर दिक्कतों का सामना हो रहा है या पब्लिक परेशान हो रही है, ऐसे में दिक्कत हो रही है लेकिन मस्जिद कितने आदमियों की नमाजें छुटेगी उससे ज़्यादा इस्लाम क्या कहता है इस पर? इस्लाम ये कहता है कि मैंने पब्लिक को के इजाज़त से वहाँ पर पढ़ो, पब्लिक से राय ले लो कि भाई यहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आपको परेशानी नहीं हो 10 मिनट तब परेशानी अगर महसूस कर लो तो हम नमाज। आप सहमत हैं? जी, इस बात से हम सहमत नहीं है क्योंकि नमाज से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। जी,
नमाज सबसे ज़्यादा नुकसान जो है नमाज का छूट जाना है। आप बताइए भाई साहब का कहना है कि नमाज से ज़्यादा किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो सकता है, आपका क्या कहना है कि अगर आपको मतलब मस्जिदों पे अगर मान लीजिए जगह नहीं हो पा रही है तो आप कहाँ करेंगे नमाज? नहीं नहीं देखो नमाज की जो मसला है कि नमाज में समय भी बहुत कम लगता है। अगर हमारी वजह से हमारे नमाज पढ़ने से किसी भी इंसान को तकलीफ होती है तो अल्लाह ताला इसके लिए बिल्कुल मना किए हुए हैं। किसी की दिक्कत ये है कि अपनी राय हो सकती है, कोई कहता मस्जिद दिक्कत है हम मस्जिद नमाज ना पढ़ लें, कोई कह रहा अजान से दिक्कत है हम अजान बंद कर दें, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को नमाज पढ़ने के लिए, जैसे कि रोड पर नमाज पढ़ते हैं लोग, दिक्कत परेशानी होती है, ट्रैफिक में दिक्कत होती है, तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह तो या तो गवर्नमेंट दे, या पहले ईदगाह में नमाज होती थी, बड़ी मस्जिदों में नमाज होती थी, या बड़ी मस्जिदें नहीं रही हैं जामा मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, या यहाँ से बाहर लोग नमाज़ पढ़ते हैं कोई भी। अब मान लो मुसलमानों का मसला है ये, तो सब लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि मुसलमान यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों के अंदर त्यौहार आते हैं, नवरात्रे आते हैं, उस पर भी मंदिरों के बाहर लाइन लगती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मज़हब के अंदर इसको यानी कि बोलना नहीं चाहिए लोगों को, नमाज जो जहाँ पढ़ रहा है उसको नमाज़ पढ़ने दें। नमाज का तरीका ये है कि नमाज सुकून की जगह है, नमाज सुकून से पढ़ी जाती है, मुसलमान कहीं हिंदुस्तान में किसी को परेशान नहीं करता। सर जैसा पाक जगह होना चाहिए, या तो आप मैदान में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पॉश जगह होना चाहिए, गलाजात नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मस्जिद ही होना चाहिए। आपके हिसाब से नमाज की सबसे पाक जगह कौन सी? मस्जिद। मस्जिद जी। अगर वहाँ पर नहीं पूरी हो पा रही है तो बाहर का प्लेस ले सकते हैं, आता है जैसे आता है सहन है। अगर मस्जिद नहीं है पास में तो जंगल में भी अगर नमाज का वक्त हो गया तो वहाँ भी हम कोई जगह पाक और साफ देकर वहाँ भी अपना वजू बनाकर नमाज अदा कर सकते हैं। नहीं जब मस्जिद में जगह नहीं है तो सड़क पर पढ़ सकते हैं। सड़क पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं नमाज तो सड़क पर पढ़ सकता है ना, जब मस्जिद में जगह नहीं होगी तो पढ़ सकता है। अगर मस्जिद में आप नहीं जा पा रहे हैं, मस्जिद में जगह की मान लीजिए कमी हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे? नमाज कोई किसी जगह भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई पाक जगह हो तो उस पढ़ सकते हैं नमाज, कोई प्रॉब्लम नहीं। नमाज के लिए सबसे पाक जगह आपको क्या लगती है? अल्लाह का घर जो मस्जिद है वो जी। मस्जिद के अलावा? मस्जिद के अलावा तो पूरी ज़मीन अल्लाह की पाक है जी, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज जी। मस्जिद 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 में जगह ना हो तो फिर जगह साइड में देखेंगे, कहीं सही जगह देख के वहाँ पढ़ लेंगे।